आप जो तालाब देख रहे हैं ये सिरोही के निकट श्री वीर भगवान मंदिर के पास का तालाब है। ये तालाब है जो लबालब भरा हुआ है। आज हम इस तालाब की बात इसलिए कर रहे हैं कि 2005 से पहले यहां तालाब नामक कुछ नहीं था, यहां तालाब जैसा कुछ नहीं था। यहां पास में एक मंदिर है, ठाकुर साहब श्री अमर सिंह जी जो जुझार हुए हैं उनका, श्री वीर भगवान का मंदिर है। कहते हैं ठाकुर साहब गायों के लिए कुर्बान हुए थे, वीर हुए थे, और उनकी ये इच्छा रही होगी, उनकी ये मंशा थी कि मेरे क्षेत्र में गाय कभी प्यासी ना रहे। वहां उनके कुछ भक्त हैं, उन्होंने शुरुआत में एक ओडू बनवाया। ओडू को भरना होता है, लेकिन विशाल अर्बुदा गौशाला का क्षेत्र जहां सिरणवाग की पहाड़ियों का पानी आता है, जहां थोड़ी सी दूरी पर कालका जी का तालाब है जिसको महाराज अखेराज जी ने बनाया, उसके पास मानसरोवर तालाब है। 7 तालाब हमको विरासत में मिले हैं, लेकिन ये वीर वापसी नाड़ी एनिकट और अब तालाब, ये वीर भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बना है, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसा हम मान सकते हैं कि उनके भक्तों ने एक पुरुषार्थ किया। हमारे पूर्व सभापति श्रीमान तारा राम जी माली साहब, जो उस वीर भगवान कमेटी के एक सक्रिय सदस्य रहे हैं, वो भक्त रहे हैं वीर भगवान जी के, उन्होंने मुझे बताया कि 2005-06 में रामपुरा नरेगा से यहां पहले बहुत छोटी सी नाड़ी खोदी, फिर एक एनिकट बनाया, और फिर क्रमानुसार यहां इसको एक तालाब का स्वरूप दिया, तालाब बन गया। और ये बात मैं बहुत बार कहता हूं कि मिनक मजूरी देते हैं क्यों रखेंगे राम, हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें इंद्रदेव की मेहरबानी हो जाएगी। वीर भगवान नाड़ी आज एक तालाब के स्वरूप में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी मंजिल दूर है। ये मान के चलिए कि मंजिल अभी वाकई में दूर है, ये और भी बड़ा तालाब बन सकता है, एक और कालकाजी जैसा तालाब बन सकता है। इस तालाब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये तालाब जंगल में है, नगर से दूर है। ये सिरणवा की पहाड़ियों में रहने वाले वन्य जीवों के लिए ये एक सबसे बड़ा आसरा है। इस नाड़ी में पानी पीते हैं जानवर, दूर दूर से, कई किलोमीटर दूर से आकर पानी पीते हैं। इसलिए इस तालाब का महत्व आम तालाबों से ज्यादा है। अब लेकिन इसमें भी आप एक चीज देख रहे होंगे कि अंग्रेजी बबूल की यहां भी भरमार है, या यूं कहें कि अंग्रेजी बबूल इसमें बहुतायत से है। थोड़ा बहुत अब आप इसको नजारे को देखिए, आधे से अधिक तालाब के अंदर अंग्रेजी बबूल है, पानी भरा है, लेकिन आप कल्पना कीजिए, मैंने आज इस तालाब में घुसकर देखा, आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई जानवर यहां फंस जाता है, कोई व्यक्ति फंस जाता है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जब समाज का बहुत बड़ा भाग आलसी हो जाता है, जब समाज का बहुत बड़ा भाग इन बातों की अनदेखी करने लग जाता है, जब समाज के अग्रिम पंक्ति के लोगों को ये अंग्रेजी बबूल नजर नहीं आता, तब ऐसा दिखाई देने लगता है। कालका जी के तालाब में भी आपको ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। मैं जो कहने जा रहा हूं, एक पुरुषार्थ हुआ यहां,
पुरुषार्थ अभी अधूरा है, होना यह चाहिए कि बहुत सारे लोग सरकार, समाज, भामाशाह, जनप्रतिनिधि, गौ भक्त, पर्यावरण प्रेमी सभी लोग ऐसे कार्यों से जुड़े और ऐसे जहां संभावना है। देखिए सिरोही के सात तालाब जिस साइंस से बनाए होंगे कई सौ साल पहले, आज भी वो उपयोगी साबित हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये पूरा आधे भाग में अंग्रेजी बबूल का भयानक जंगल है। इस जंगल से हमको होना ये चाहिए कि कुछ लोग बरसात से पहले इन अंग्रेजी बबूलों की सफाई, नाड़ी के रूप में इसको नरेगा के अंदर 2005-06 में नरेगा के अंदर इसका कार्य का चालू किया। रामपुरा पंचायत समिति द्वारा इस नाड़ी को खोदा गया और एक बढ़िया अच्छी नाड़ी बन गई। उसके बाद में कई भामाशाहों ने भी इसमें पैसे लगाए और एनीकट भी तभी बना, एनीकट भी उसमें ही बना था। ठीक बात। और उसके बाद में भामाशाहों ने इसको नाड़ी का रूप दिया और पैसे डाल करके उसको नाड़ी के रूप में बहुत बड़ी अच्छी नाड़ी बनाई है। और अब आज इसके अब ये तालाब का स्वरूप दिख रहा है। ये तालाब तो क्या, इसके अंदर जो पास में तेल की वाड़ी चलती है उसको अगर डाइवर्ट किया हो तो ये कालकाजी तालाब से ही बड़ा तालाब हो सकता है। वाह भाई साहब, तो आने वाले समय में ऐसी उम्मीद तो है कि इसको हम एक और कालकाजी बना दें। हमेशा पैसे लगाएंगे और ये बहुत बड़ा एक तालाब हो जाएगा। जिला प्रशासन का भी इसमें पूरा सहयोग है। सहयोग चाहिए, बिल्कुल सहयोग है और पहले भी रहा है। मतलब एनीकट भी सरकार ने बनाया, नाड़ी भी सरकार ने खुदाई और भामाशाहों का इसमें जोड़ा हो गया। हाँ, और मार्गदर्शन नेतृत्व आपका रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और वीर वापसी की दया रही, और वीर वापसी की दया की वजह से आज की तारीख में माकरोड़ा, रामपुरा, सिरोही, नहीं मैंने देखा, यहाँ के जितने भी पशु पक्षी है और गर्मियों के जानवर है, गर्मियों तक गर्मियों में उसमें आनंद लेते हैं क्योंकि इसमें पूरे साल भर पानी रहता है। वाह भाई साहब, हम एक और तालाब देख रहे हैं, मातर माता जी का तालाब। ये पहाड़ी के ऊपर है। श्री मातर माता जी का तालाब आपने देखा होगा, ये सिरोही को विरासत में मिला है। श्री मातर माता जी का तालाब देखकर आपको हर्ष भी होगा, चिंता भी होगी और आपको चिंतन भी करना पड़ेगा। आप देखिए श्री मातर माता जी के दो तालाब हैं। आपने माउंट आबू की नक्की झील देखी होगी, सुनी होगी, और आबू की शोभा नक्की झील है। श्री मातर माता जी का तालाब कई सौ साल पहले बनाया, इसको जुबली टैंक का नाम दिया होगा उस समय, और इसका मकसद वन्य जीवों की सुरक्षा रहा होगा। लेकिन जानकार बताते हैं, ये इसका ओवरफ्लो आप देख सकते हैं, ये श्री मातर माता जी के तालाब का ओवरफ्लो है। इसका रिपेयर होना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। जानकार कहते हैं कि ये बहुत गहरा था लेकिन सैकड़ों सालों में ये मिट्टी से भर गया। इसके संरक्षण में सिरोही का विकास समाया हुआ है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है साहब, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास सरकार है, समाज है, हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तालाब का भला कर सकती है। आप इसकी खूबसूरती देखिए, एक नन्ना सा बच्चा इस तालाब पे कितना मुस्कुरा रहा है। अगर हम इसको सच में विकसित कर दें तो सिरोही का ये तालाब पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, आकर्षण का केंद्र बन सकता है। नमस्कार, प्रणाम।